जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग आज, 40 सीटों पर होगा मतदान। यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बैठक में मंडलों और जिलों के आला अधिकारी होंगे शामिल। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन आज, सोनीपत में जनसभा को करेंगे संबोधित। पलवल में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड में कर्मचारियों में आक्रोश, आज बनाएंगे काला दिवस। अजीत पवार को लगा बड़ा झटका, एनसीपी के चुनाव चिन्ह को जब्त किए जाने की शरद गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज से कई नियमों में होगा बदलाव, श्रमिकों की मजदूरी दर में होगी बढ़ोतरी, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी होंगे बदलाव। भारत बांग्लादेश के कानपुर टेस्ट का आखिरी दिन आज, बांग्लादेश को दूसरी पारी में जल्दी आउट कर मैच जीतने की कोशिश करेगा भारत। दूसरी पारी में बांग्लादेश के 26 रन पर गिरे 2 विकेट। अगले 24 घंटे में बदल सकता है मौसम का मिजाज, दक्षिणी और पूर्वी भारत में बारिश का अनुमान। और त्योहार के चलते बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से किशनगंज के रास्ते चलेंगी 26 स्पेशल ट्रेनें।